नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें कि काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हां, आपको बता दें कि जो भी खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो पूरी तरह से सिलेक्टेड होती हैं और साथ ही आपके काम की होती हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि बजट 2021 को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही तेजस विमान को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनने के बाद आपको भी गर्व महसूस होगा। इसके साथ साथ कृषि कानून को लेकर सबसे भयंकर खबर निकल कर आ रही है, साथ ही मोदी सरकार ने सबसे भयंकर घोषणा कर दी है। तो इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे, इसलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहली बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं। जी हाँ, अगले साल आएगा तेजस मार्क 2, 2023 में होगा रफ्तार का परीक्षण, HAL चीफ मधवान। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और माधवान ने कहा है कि स्वदेशी बहुदेशीय लड़ाकू विमान तेजस का और प्रभावी संस्करण अगले साल सामने आने की संभावना है, जिसमें ज्यादा शक्तिशाली इंजन, अधिक आयुध क्षमता, अगली पीढ़ी के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और कई श्रेष्ठ वैमानिक प्रणालियां होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के तेजस से हमारे देश के सैनिकों की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का बंगाल दौरा, 5,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। यहां वो कई सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन के बाद पीएम मोदी एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बंगाल में भाजपा नेता जनसभा की तैयारी में पूरी तरह से जुट चुके हैं, तो फाइनली बंगाल के लोगों को इस बंगाल के दौरे से प्रधानमंत्री के एक बड़ी सौगात देखने को मिल सकती है, जिससे आने वाले दिनों में बंगाल के लोगों में पूरी तरह से खुशी की लहर देखने को मिलेगी। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। बजट में लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन की उम्मीद, इनकम टैक्स को लेकर भी आया है। जी हां, आपको बता दें कि बजट 2020 को लेकर ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना काल में मोदी सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। आपको बता दें कि देश भर में बजट पर लोगों की राय और उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। जी हाँ, देश का बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। इस दशक का पहला बजट होने के नाते ये बजट खास है और ज़रूरी भी है। बीता साल कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया, इसी वजह से इस साल का बजट काफ़ी अनोखा होने वाला है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनको टैक्स में भी भारी छूट मिलेगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। जी हां, आप सभी ने अभी देखा होगा कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और ऐसे में काफ़ी सारे लोग घायल हुए थे, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में हुए धमाके के बाद अयोध्या की सुरक्षा को लेकर हुई अहम बैठक, लिए गए हैं बड़े फैसले। रामनगरी अयोध्या में लगातार बढ़ रहे दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र ADG जॉन SN सावत ने रविवार को अहम बैठक की थी। बैठक में जिले के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मानस भवन में की गई, जिसमें रामलला की सुरक्षा व्यवस्था, मंदिर निर्माण कार्य की सुरक्षा को अलग अलग करने की रणनीति बनाई गई है। तो आप सभी को पता होगा कि राम मंदिर कितने विवादों के बाद बन रहा है और इसी वजह से राम मंदिर निर्माण को लेकर के पूरी तरह से हमारे देश के सैनिक तैनात हैं। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। पूरी क्षमता के साथ इस तारीख से खुलने जा रहे हैं सिनेमा हॉल, केंद्र की नई गाइडलाइंस हो चुकी है जारी। जी हाँ, आप सभी ने देखा होगा कि एक बहुत ही लंबे अरसे से पूरी तरह से सिनेमा हॉल बंद हैं, लेकिन इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 1 फरवरी 2021 से फाइनली अब पूरी तरह से आप सभी को सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ खुलते हुए नजर आएंगे। जी हां, आपको बता दें कि जितने भी लोग सिनेमा हॉल अब तक नहीं जा पा रहे थे या फिर बेहद कम लोग ही सिनेमा हॉल में जाकर के फिल्म देख पा रहे थे, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है और अब हर कोई सिनेमा हॉल में जाके देख सकता है फिल्म। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। गाड़ी में इस तारीख तक नहीं लगेगी HSRP तो लगेगा 5,000 रुपये का जुर्माना। जी हाँ, अगर आपकी भी गाड़ी में HSRP नहीं लगा है तो इस खबर को बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो आप सभी को 5,000 रुपये का माना देना पड़ेगा। सार वाहन मालिक को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए सियाम की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में उन सभी को 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें कि 5,000 रुपये का इसके लिए जुर्माना वसूला जाएगा और इसकी आखिरी तारीख तक वाहनों में HSRP नहीं लगाने पर सीधे आप सभी का बड़ा नुकसान होगा। तो इस बात का आप सभी लोग बहुत ध्यान देना। आप सभी को बता दें कि इसकी जो अंतिम डेट रखी गई है वो फाइनली 21 जुलाई 2021 रखी गई है। तो आप सभी के पास लंबा टाइम है, लेकिन बहुत
अयोध्या। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, कृषि कानून को लेकर पायलट ने साधा सरकार पर निशाना, कहा जिद छोड़कर कानून को वापस ले ले केंद्र सरकार। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने किसानों के मान सम्मान को सर्वोपरि बताते हुए रविवार को कहा कि केंद्र सरकार को जिद और जबरदस्ती से पारित कराए गए अपने केंद्रीय कृषि कानून को तत्काल वापस ले लेना चाहिए। और इसी वजह से उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ भी सरकार कर रही है किसानों के साथ वो बेहद ही ज़्यादा गलत है और सचिन पायलट ने केंद्र की मोदी सरकार पर सीधे सीधे निशाना साधा है। चलिए अब हम चलेंगे सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, आपको बता दें मौसम को लेकर सबसे भयंकर चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग की चेतावनी, बर्फीली हवा बनेगी जिंदगी की आफत, इन इलाकों में गरज के साथ होगी बारिश। पहाड़ों में इन दिनों सर्द हवा और बर्फबारी चल रही है जिसके चलते मैदानी इलाकों का भी तापमान नीचे लुढ़कता जा रहा है। लुढ़कते तापमान के बीच उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली NCR में शीतलहर का सितम जारी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को कश्मीर में पश्चिम विक्षोभ की संभावना जताई जा रही है जिससे मौसम खराब रहने के संकेत हैं। मौसम विभाग के हवाले से बताया गया है कि दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में 3 से लेकर के 5 फरवरी के बीच हल्की बारिश भी हो सकती है। तो आप सभी को आने वाले दिनों में एक बार फिर से मौसम का कहर झेलना पड़ सकता है, इसलिए सचेत रहना। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, पहले हमारे लोगों को रिहा करें फिर होगी बातचीत, प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि नए कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमा का सम्मान करेंगे, लेकिन वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। टिकैत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले कहा था कि सरकार से किसानों की बातचीत में महज एक फोन कॉल की दूरी है। तो जी हां, देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि अगर वो एक फोन कॉल करेंगे तो किसानों का आंदोलन खत्म हो सकता है, लेकिन फाइनली राकेश टिकैत ने इसके पलट ही बयान दिया है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, बिहार छोड़कर बंगाल की ओर दौड़े तेजस्वी यादव बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी से मिलाएंगे हाथ। जी हां, आपको बता दें जो बिहार के तेजस्वी यादव हैं जो कि सीएम बनने के बेहद ही ज़्यादा ललायत हैं, फाइनली अब वो बंगाल की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने वाले हैं और वहाँ पर वो बीजेपी के अगेंस्ट TMC का साथ देने वाले हैं। अब देखना है कि इससे बंगाल की इलेक्शन में किस तरह का बवंडर देखने को। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो जी हाँ, आपको बता दें सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारतीय सैनिकों के लिए बना गोलियां बरसाने वाला हेलमेट दुश्मन का तुरंत कर देगा सफाया। दोस्तों, अभी तक आप सभी ने देखा होगा कि हमारे देश के सैनिक हाथ में हथियार लेकर के ही दुश्मन पर आक्रमण करते थे, लेकिन इसी बीच भारतीय सैनिक के लिए सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक ऐसी नई तकनीक विकसित कर ली गई है जिससे कि आने वाले दिनों में जो भारतीय सैनिक के हेलमेट होंगे उसमें भी बंदूक की गोलियां निकलने वाली हैं और इससे पूरी तरह से सामने वाले आतंकवादी धराशाही हो जाएंगे। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, अगर आप भी ATM का उपयोग करते हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनना, कल ATM हो जाएगा बेकार, बैंक में हुआ ये नया बदलाव, अब नहीं निकल पाएंगे पैसे। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को फ्रॉड से बचाने के लिए नए नियम बना दिया है। इस नियम से 1 फरवरी से पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक किसी गैर ATM मशीन से पैसे नहीं निकाल सकेंगे। इस बात से काफ़ी ग्राहक को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह बड़ा कदम PNB ने अपने ग्राहकों को फ्रॉड से बचाने के लिए किया है। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। हमें उम्मीद है कि आपको ये खबरें अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।